विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे। सीधी के पुलिस व्यवस्था हालात यह है कि पुलिस अधीक्षक दावा करत हैं कि हमारे यहाँ हालात बेहद सही हैं, थाना प्रभारी बेहद संजीदगी से काम कर रहे हैं, किंतु हालात यह है कि ओके बाद सीधी पुलिस अधीक्षक कार्यालय की भीड़ या कहन कहो पोल खोले के काम करा थी और यह बतावा थी कि वर्तमान में हालात सीधी के बेहतर नहीं आए। थाना प्रभारी अपने जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से नहीं कह रहे। हालात यह है कि हमारे साथ दो शख्स खड़े हैं जे गुजराइर के निवासी ही, मामला आए रामपुर नैकिन थाना के, जहां थाना प्रभारी के द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखी गई। हालात यह है कि उक्त व्यक्ति के, पीड़ित व्यक्ति के मूड़ फोड़ डाली नहीं, टाका लगे हैं, ओके बाद थाना प्रभारी के द्वारा जो है रिपोर्ट नहीं दर्ज किए गए, जो बेहद चिंतनीय और दर्दनाक विषय है। हम पूछब कि का घटना भय ही कैसन भय है, का नाव है, तो हम पूरी बात बतावा। मनीष सिंह नाव है, गुजरेर ज्ञान हम आए रहन राज ले तो मुकेश यादव बैठ रहा है तो आए बात मारे लाग डंडा डंडा मारे और वहाँ तीन चार आदमी और रहे हैं, सचिन मिश्रा रहे हैं, गलादी मिश्रा रहे हैं और राजीव मिश्रा रहे हैं, सब बैठे थे वहीं। फिर का पहले से कोनो विवाद और रहा था? हमारी पहले ऐसा थोड़ा बहुत था मगर ऐसा नहीं था। हाँ। फिर आके मारे मेरे को, फिर इसके बाद सबको यहाँ अकेले थे, फिर आपने भाई को बुलाया, भाई भी लेट आया, फिर खूब मारे, फिर इसके बाद भाग गए। फिर इसके बाद रामपुर गया, रामपुर जाने के बाद मेरे को रिपोर्ट नहीं लिखे, रिपोर्ट के बाद फिर फ़ोन कर दिए थाना में, तो थाना भी में वो नहीं हुआ। फिर इसके बाद अस्पताल आया, अस्पताल में दवाई उवाई थोड़ा से हुई और फिर भर्ती भी नहीं किए, घर बोले कि सुबह आना वहाँ से रिपोर्ट। यह बताइए अपना के मुड़े में ऐसा थोक दिखाई, अपना के मुड़े में जो टाका लगे, कैठे टाका लगे? चार पाँच लगे जी। तो डॉक्टर कहा कैसे भर्ती ना करब? ना करब। काहे पूछन नहीं? हम पूछन मगर उनकी पहुँच है, मेरी पहुँच नहीं है। अच्छा, तो यह फिर अपना दवाई कराए के बाद थाना गए रहन? हैं दवाई करब? पहले थाना गए रहन, फिर इसके बाद सर जी दवाई करवा। हाँ। जी तो ओके बाद वो रिपोर्ट नहीं लिखी? नहीं लिखी। को रहे हैं वहाँ थाना प्रभारी का है जानकारी? नाव जानी थे? नाव तो नहीं जानता हन, मगर नहीं लिखी रिपोर्ट। कहाँ कहीं वहाँ? कहीं नहीं, सुबह आना, फिर सुबह लिखेंगे। हाँ जी। घटना कब क्या है? काल किया है 9 बजे रात के, मतलब 4 जुलाई के 9 बजे रात। जी जी है ना जी, ये पूरी घटना जी। ये देखिए अपना काम चोटो दिखाए हैं, वह चोट जो बेहद धारदार हथियार या कोनो लाठी डंडा से मार के साफ तौर में प्रतीत होती, किंतु थाना प्रभारी और वहाँ के रामपुर नैकिन थाना के स्टाफ माने के तैयार नहीं आए कि यह बेहद बड़ी घटना आए। काहे कि एक व्यक्ति के जान और माल की रक्षा करे खातिर पुलिस के दायित्व होते हैं, किंतु पुलिस व दायित्व के निर्वहन नहीं कर पावे, तब बेहद दुखद क्षण है। हमारे साथ एक जने यू खड़े हैं, उन्हें इनके पारिवारिक लोग आए हैं और हम ये पूछब कि अब घटना होए के बाद अपना पचे कहे कि वो लड़का दर्दव है, ओका पिरातव लाग है और वह सही बात नहीं निकल पावे, अपन बयान नहीं कह सके। तो अपना पंच फिर का करें जब दिखन कि हमें लड़का चोटिल है, तो का करें प्रयास? का करें प्रयास? हम 100 नंबर बुलवाएं। हाँ। 100 नंबर वाले कहीं हम ना आ पाऊँ। हाँ। अपना पंचे कैसे के थाना जाइए, जब कैसे के 1 घंटा बाद थाना गए तो थाना में वहाँ गए तो रिपोर्ट नहीं कहीं नहीं लिखी हमारे, और कहीं के जाए अस्पताल में हम बोले दी थे तो वहाँ दवाई हो जाई, कल 7 बजे आए तो वहाँ रिपोर्ट दर्ज करब, और वह मरीज पीड़ित रहा तो गए तो डॉक्टर साहब कमरम सोवत रहें, उनका जब जगान आए तो टाँका लगा दिन पान थे हमारे बालक के, आए के बाद कहीं के सोना हो तो सो जाओ, नहीं तो सुबह है आना जी। फिर हम लोग चले गए घर। नहीं तो अपना थाना में गयन तो के मिले अपना का थाना में का कहीं ना अपना? 4-5 सिपाही रहें, मुंशी जी का फ़ोन लगाएं सिपाही, मुंशी जी हमसे बात की नहीं मोबाइल से, हम उनका नावगा मुंशी जी के नहीं जानी, कहीं सुबह 7 बजे आना तो रिपोर्ट लिखेंगे, जाओ हम बोलते हैं डॉक्टर को तो तुम्हारी ट्रीटमेंट हो जाएगा। वहाँ गए तो डॉक्टर टाँका लगा के 1 इंजेक्शन लगाया और बाकी कहें चाहे सो जाओ चाहे चले जाओ अपने घर, सुबह है आना तो तुम्हारा लिखा लेख करेंगे, मेडिकल करेंगे जी। कहाँ के निवासी हैं अपना पचे? राम गुजरेर थाना तहसील रामपुर नैकिन के हैं। का कौनो पुरान विवाद हो रहा का सामने वाली पार्टी? थोड़ा बड़ा रहा हमारा पहले के विवाद, 3-4 साल पहले बस में एक हमारे भतीजे को वही वादा हो गाड़ी में चढ़ के और 4-5 भोहा मारा था, इतना किया था और बाकी विवाद कुछ नहीं था जी।
का मतलब अब का है वो गांव में माहे लड़का या फिर कहाँ फरार है काला? गांव में माहे वो लड़का जी। तो यह देखिए हालात है, ये सीधी के पुलिस प्रशासन के कलई खोले के काम करे थे कि पुलिस का पहले सूचना दी जाती कि कोनो व्यक्ति के साथ मारपीट भई ही, और यह में मारपीट साधारण मारपीट नहीं होकर सर फाट जाता है, किंतु अभी तक वो आरोपी अपराधी जो हैं खुले हवा में सांस ले रहे हैं, और जबकि इतना बड़ा गंभीर अपराध घटित कह के बाद उनका सलाखन के पीछे हो चाहिए, किंतु यह भारतीय कानून और पुलिस के लचर व्यवस्था कहो न कहो यह पूरे मामला में साफ तौर से दर्शा लागी। बात करे चाहत है किंतु अब वर्तमान में पुलिस अधीक्षक तो मौजूद नहीं आई, किंतु हालात बेहद दुखद हैं, दर्दनाक हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हैं। यदि यह हालात रही तो कहो न कहो जनता के या पुलिसिंग से विश्वास उठी जाए, और हालात यह हुई कि जनता सड़क में उतरे का मजबूर हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।